हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ BSSC इंटर लेवल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, BSSC इंटर लेवल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, इसमें आपका ऑफिशियल कटअप जारी कर दिया गया है, साथ में रिजल्ट डेट भी घोषित कर दिया गया है। कितने तारीख को रिजल्ट चेक करना है, कैसे चेक करना है, सभी जानकारी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। साथ में आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चन लिखा था उस पर BSSC ने क्या डिसीजन लिया है, तो दोस्तों सभी जानकारी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो लोग भी BSSC इंटर लेवल का एग्जाम दिए होंगे उन लोगों के पास नोटिफिकेशन जानकारी सही समय पहुंच पाएगा, जिससे वो लोग अपना ऑफिशियल कटअप जान लेंगे, साथ में जो रिजल्ट तिथि आ रही है उस पर अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पहले मैं ये बताता हूं कि जो BSSC ने क्वेश्चन लिखा था उस पर क्या डिसीजन लिया है। दोस्तों, आप जानते हैं BSSC का एग्जाम हुआ था, उसके बाद एक नोटिस आया था कि अगर किसी के पास क्वेश्चन लिखने की जानकारी है तो BSSC को सूचित करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने हंगामा किया था कि क्वेश्चन लिख हुए हैं, इधर से उधर फोटो वायरल हुआ था फेसबुक व्हाट्सएप पर, तो सारे स्टूडेंट ने इस पर सवाल उठाए थे कि अगर क्वेश्चन लिखवा है तो एग्जाम कैंसिल हो, लेकिन BSSC इस पर चुप बैठने वाले भी से नहीं थी। BSSC ने एक नोटिस जारी किया कि अगर किसी के पास इसकी सूचना है तो BSSC को सूचित करे, BSSC उस पर छानबीन करेगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे दोषी करार दिया जाएगा। लेकिन किसी ने भी इसकी सूचना नहीं दी, लेकिन BSSC इस पर चुप बैठने वाले से नहीं थी। BSSC खुद से छानबीन किया और पाया गया कि क्वेश्चन लीक हुए ही नहीं थे, वो गलत तरीके से बात फैला गया था, इसलिए आपका रिजल्ट जारी हो रहा है। और रिजल्ट यूं ही जारी नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट पटना में धरना पर गए थे, उसके बाद ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। चलिए दोस्तों, क्या क्या जानकारी आई है अपडेट, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए कि जो ऑफिशियल कटअप जारी हुआ है वो बहुत ही कम है। अगर कटअप कम क्यों है, उसका दो तीन कारण भी है। कटअप कम है क्योंकि 2014 का वैकेंसी 2019 में क्लियर हो रहा है, 2019 के लास्ट में क्लियर हो रहा है, और इतने लंबे समय में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे जॉब में चले गए। और प्रेजेंटेशन देखा होगा आपने एग्जाम के समय, प्रेजेंटेशन लगभग 35-40% स्टूडेंट ही प्रेजेंट हुए थे, 35-40% स्टूडेंट लगभग, जिस कारण से कटअप आपका कम जा रहा है। साथ में जो जिसमें एग्जाम चला था उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, ग्रुप डी और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जॉब में चले गए, इसलिए आपका कटअप कम किया जा रहा है, क्योंकि जितना सीट है उसको फुल करना है, उसके अलावा हो सकता है कुछ सीट भी बढ़े हों। चलिए बताता हूँ कटअप क्या जा रहा है, आखिर कम जा रहा है। तो दोस्तों, जो जनरल कटअप जाने वाला है, जनरल का वो जा रहा है 81 जा रहा है। जी दोस्तों, जनरल कटअप 81 जा रहा है। जनरल के बाद बात करते हैं ओबीसी कटअप, ओबीसी कटअप जा रहा है 78 जा रहा है। ओबीसी के बाद बात करते हैं एससी कटअप जो जा रहा है वो 75 जा रहा है, और एसटी कटअप जो जा रहा है एसटी का वो जा रहा है 69 जा रहा है। यहाँ पर 41 महीना कटअप नहीं दिया गया है, हो सकता है जिसमें फॉर्म रहा था उसमें 41 महीने का सीट नहीं रहा हो, या हो सकता है कुछ आगे नया नोटिफिकेशन आता है उस समय 41 महीने का सीट दिया जाएगा। दोस्तों ये तो होगा कटअप संबंधित बातें, अब चलते हैं आपके रिजल्ट संबंधित बातें। उससे पहले बता दूं कि जो मेंस एग्जाम के लिए सिलेबस जारी हुआ है, मेंस एग्जाम का डेट दोस्तों वो अगले महीने में मेंस एग्जाम होने वाला है। लेकिन मेंस एग्जाम का सिलेबस आप लेना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके ले सकते हैं, जिससे आपको जानकारी सही से मिल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ से सिलेबस बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस आपका दो पेपर होने वाला है मेंस एग्जाम, पेपर 1 पेपर 2। सिर्फ मैं बताया था कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन सिलेबस आप जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, उसमें ज्वाइन होकर हमसे PDF मांग सकते हैं, वहाँ से शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, पहले वो जान लीजिए। दोस्तों पेपर 1 जो होगा 150 नंबर का एग्जाम होगा, पेपर 1 में 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन मिलाकर के 600 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है पेपर 1 में। पेपर 2 में भी होगा 150 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का, यानी 600 नंबर का एग्जाम पेपर 2 में भी होने वाले हैं। अब इसमें पेपर 1 पेपर 2 में पासिंग मार्क क्या चाहिए, पेपर 1 में पासिंग मार्क और पेपर 2 में दोनों में 30.33% पासिंग मार्क, पेपर 1 में भी या पेपर 2 में भी 30.33%, यानी पेपर 1 में 45-50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और पेपर 2 में भी 45-50 क्वेश्चन, तो आप पास हो जाइएगा। सिर्फ पासिंग होना जरूरी है, लेकिन क्या पूछा जाएगा आप इसका ऑप्शन सर पर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि इतना कम नंबर लाना है तो सिलेबस तो हार्ड होगा ही, आप ये जान लीजिए। चलिए दोस्तों ये तो हो गया सिलेबस संबंधी बातें, अब रिजल्ट कब आ रहा है वो जान लीजिए। दोस्तों पहले तो ये जो रिजल्ट आ रहा है आपका, ये रिजल्ट ये कल के डेट में, जी हाँ दोस्तों कल के डेट में शाम के करीब 3-4 बजे करीब रिजल्ट आ जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा, अभी वो कमिंग सून बता रहा है, जैसे ही एक्टिव होगा वहाँ आपको रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक मिल जाएगा। ऐसे कोई जानकारी अपडेट होता है, लिंक एक्टिव होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ये कल के डेट में लगभग 3-4 के बीच में होने के चांसेज लग रहे हैं। उसके अलावा ये तो रिजल्ट आ जाएंगे, साथ में जो मेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड है वो कल रिजल्ट आने के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें आपको मालूम चल जाएगा कि मेंस एग्जाम कब होने वाले हैं, कितने तारीख को होने वाले हैं। क्योंकि मेंस एग्जाम जो ये रिजल्ट आ रहा है तो मेंस एग्जाम होगा, क्योंकि जब सिलेबस जारी किया गया है तो मेंस एग्जाम का डेट भी फिक्स कर दिया जाएगा, कि वो डेट अभी इसलिए रोका गया है क्योंकि जब तक ये रिजल्ट क्लियर नहीं होता तब तक वो डेट फिक्स नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुमानता बताया जा रहा है कि अगले महीने में आपका मेंस एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल मेरे पास जितने भी जानकारी थे जो आपके लिए हेल्पफुल थे मैंने बता दिया, और भी कुछ पूछना चाहते हैं जो इस वीडियो में छूट गया हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। जैसे कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, आपका अभी एडमिट कार्ड खो गया है तो कैसे चेक करना है, सब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, या इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कैसे रिजल्ट चेक करना है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, एंड टेक केयर फ्रेंड्स।